सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जो सबकॉन्शियस माइंड छह शक्तियों से मिलकर बना हुआ आत्मा की आठ शक्तियां है। एक तो सत्य को परखने की शक्ति, इससे पहले शक्ति कौन सी है? सत्य को परखने की शक्ति। दूसरी है यथार्थ निर्णय करने की शक्ति। तीसरी है विस्तार को साथ मिलाने की शक्ति। चौथी है समेटने की शक्ति। पांचवी है सहन करने की शक्ति। छठी है समाने की शक्ति। सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। और आठवीं शक्ति कौन सी है? आठवीं शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। ये आठ शक्तियां हैं। तो दिल में अगर आपकी ये चार चीजें हैं, देवान है, देखे संबंध संपर्क का भान है, देखे पदार्थों का भान है, देखे स्वभाव का भान, ये जो पांच विकार दिल में अगर आपके आ गए, आप समझते जरूरी है, और आपके दिल में कॉन्शियसनेस में चले गए, आपके अंदर के संसार में चले गए, और यही आपका संसार है, तो आपका विवेक कंफ्यूज रहेगा। जैसे आज की दुनिया में क्या है, सभी लोगों का विवेक काम नहीं करता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आजकल कैसे हैं, दुनिया वाले कैसे हैं, सब बेसमझ है। जानवर से भी बदतर बाबा कहते हैं, बिल्कुल बेसमझ है। जानवर को भी समझ होती है, आज का इंसान जानवर से भी बदतर है, क्योंकि उसके पास विवेक ही काम नहीं कर रहा है, यथार्थ निर्णय नहीं कर पा रहा है इंसान। तो इसलिए क्या हो रहा है, जब यथार्थ निर्णय के आधार पर विस्तार और सांत्वना शक्ति उत्पन्न होती है। अगर हमने यथार्थ निर्णय नहीं या गलत निर्णय कर लिया, तो अब सार विस्तार कर रहा है, राय पहाड़ बन जाता है, छोटी सी बात भी पहाड़ जैसे, छोटी सी बात पहाड़ जैसे बन गई तो समेटने की शक्ति खत्म हो गई। मन बुद्धि हमारा क्या होता है, बिखर जाता है, मन बुद्धि को हम समेट नहीं सकते। हमारा मानी जो सार विस्तार में कैसे चला गया, मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि देह देखे संबंध देखे संपर्क देखे स्वभाव संस्कार में वो जा रहा है, मन के चक्कर तो सभी सिस्टम चलते हैं, सिस्टम एक के बाद 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 एक सिस्टम की लाइन लग जाती है। क्यों लग जाती है? और हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती, नींद भी नहीं आती, और फिर उसके बाद कोई कोई प्रॉब्लम जाके हम सहन नहीं कर पाते, मन बुद्धि बिखर गया, मन बुद्धि की एकाग्रता खत्म हो गई, राय का पकड़ बन गया, अभी हम सहन नहीं कर पाते। जब सहन नहीं होता है तो क्या होता है, फिर हम समा नहीं पाते। जब समा नहीं पाते, पुरानी बातें हमारे हमेशा मन बुद्धि को ऑक्यूपाई करके रखती हैं, तो फिर क्या होता है हमारे अंदर, हम और नई बात नई प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए तैयार नहीं, डरते रहते हैं बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगे, अभी और प्रॉब्लम फिगर नहीं, अभी आया लेकिन खत्म, दूसरा भी आ गया, अभी ये समस्या खत्म नहीं, ये आ गया, अभी देह में ये बीमारी चल रही थी, डायबिटीज आ गई थी, अभी दूसरी बीमारी आ गई, अभी ब्लड प्रेशर भी आएगा, अभी हार्ट की बीमारी, अभी कमर की तकलीफ भी है, ये बीमारी खत्म दूसरी शुरू, बच्चा एक एक बच्चे को पढ़ाई पूरा किया और उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, दूसरा बच्चे की पढ़ाई की प्रॉब्लम, एक के बाद एक समस्या की समस्या, हम कन्फ्यूज हो रहे, हम डरने लगे, और फिर दूसरे को मदद नहीं करता, सहयोग नहीं करता। तो ये जो छह शक्तियां है ना आत्मा की, तो चित्त कैसा हो गया हमारा, हमने राय का पहाड़ बना दिया, समेटने की शक्ति खत्म हो गई, सहन किया नहीं जा रहा, समाया जा नहीं रहा, सामना नहीं कर पा रहे, और सहयोग नहीं कर पा रहे, तो हमारा चित्त जो छह शक्तियों से बना है, तो हमारा चित्त क्या हो गया, अशांत हो जाता है, चंचल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, और चित्त के आधार पर चिंतन चलता है, जैसा चित्त वैसा चिंतन।